सोशल मीडिया के इस्तेमाल करते हुए बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। बल्कि मैं इसलिए भी अर्ज करना चाहता हूं कि इस्लामी.कॉम के नाम पर गैर इस्लामी चैनलें भी काम कर रही हैं, नाम है इस्लामी.कॉम, और एक नहीं हजारों हजारों चैनलें हैं जो इस्लामी.कॉम के नाम पर या इस तरह के किसी अच्छे के नाम पर काम कर रही हैं और अंदर वो कुछ और। इसलिए खुद भी और अपने बच्चों को भी, खसूसन अपने मसौरा को, ऐसा ना हो हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते करते अपने घर वालों से दूर हो जाएं। चुनाचे शौहर घर आता है वो अपने मोबाइल पर लगा हुआ है, बीवी है वो अपने मोबाइल पर लगी हुई है, वो न इनको पूछता है न इनको पूछता है, दुनिया भर के साथ ताल्लुकात है जिनके साथ रखना चाहिए उनसे दूर हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि बाप घर में बूढ़ा है, बेटे को दवाई लाने की फुर्सत नहीं है क्योंकि साहब वो लगा हुआ सोशल मीडिया, वो लाइकिंग और शेयरिंग में लगे हुए हैं। तो ऐसा न हो कि हम सोशल मीडिया में फंसे हुए हैं जो हमारी लाजमी ड्यूटी है वो भी छोड़ रहे हैं। ऐसा न हो कि हम सोशल मीडिया में, दुनिया भर से तो दोस्ती है जिनके साथ दोस्ती करनी चाहिए वो अपने वालदेन हैं, अपने बीवी बच्चे हैं, अपने रिश्तेदार हैं, उनसे बात करने की भी फुर्सत नहीं। बहरहाल में शॉर्ट में डिटेल का वक्त नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, फेसबुक है, यूट्यूब है और क्या क्या है, ये सब कुछ आपके सामने है। अपने वक्त को, अपने पैसे को, अपनी सेहत को, अपने माइंडसेट को, अपने ख्याल को बचाएं।